हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत सुप्रभात से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप इन स्टडी वीडियोस को अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से सुबह, दोपहर या शाम को देखते हो, जो कि सही भी है, क्योंकि जब हमारा पढ़ाई का मूड हो तब अगर पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई अच्छे से होती है। लेकिन जो वीडियोस डेली अपलोड हो रहे हैं उन्हें देखकर उनकी पढ़ाई उसी दिन कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपने आज की पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज की पढ़ाई करने से पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सबने हमारे पिछले वीडियो क्रिया में जो गृह कार्य दिया था उसे पूरा किया? मुझे यकीन है आपने अपना गृह कार्य कर लिया होगा। अब आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको क्रिया के गृह कार्य के जो उत्तर थे वो देना चाहती हूँ, ताकि आप अपने उत्तर चेक कर सको। हमारा पहला प्रश्न था जिसमें आपको मूल धातु से क्रिया का सामान्य रूप बनाना था। यहाँ उसके उत्तर दिए हैं, प्लीज़ आप अपने उत्तर चेक कर लीजिए। गृह कार्य का दूसरा प्रश्न था, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए थे जिनमें से आपको क्रिया पहचान कर वह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है ये लिखना था। इसका पहला वाक्य था, मोहन आज घर आएगा। इस वाक्य में कर्ता है मोहन और क्रिया है आएगा, तो यहाँ क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार दूसरे और पांचवें वाक्य में भी क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसलिए ये दोनों भी अकर्मक क्रिया ही है। लेकिन तीसरे वाक्य, रीना ने सीमा को समझाया, में क्रिया है समझाना और कर्ता है रीना, और क्रिया का प्रभाव कर्ता मतलब रीना पर न पड़ कर सीमा पर पड़ रहा है, इसलिए यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार यदि हम इस वाक्य की क्रिया समझाना के साथ किसे प्रश्न जोड़ देते हैं तो उत्तर मिलेगा सीमा। तो हमारे सकर्मक क्रिया की पहचान के नियम के अनुसार यह सकर्मक क्रिया है। उसी तरह चौथे उदाहरण में क्रिया लिखा है, और इसके साथ यदि हम किसको प्रश्न जोड़ देते हैं तो हमें उत्तर मिलेगा रोहित, इसलिए यह भी सकर्मक क्रिया है। तो अब आज का पाठ पढ़ते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे, जो आपके व्याकरण में 20वां पाठ है। तो आज हम देखते हैं कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है और विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। इस चित्र को देखिए, आप सब जानते ही हो कि यह ट्रैफिक सिग्नल है, और आपको यह भी पता है कि ट्रैफिक सिग्नल क्यों होते हैं, अर्थात उनका उद्देश्य या पर्पस क्या होता है। ट्रैफिक सिग्नल के प्रयोग से वाहन सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलते हैं, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल अच्छे से होता है। ठीक उसी प्रकार भाषा को व्यवस्थित रूप से समझने और समझाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि विराम चिन्ह का महत्व क्या है। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा का भाव स्पष्ट होता है। वाक्य बोलते समय हमारा बोलने का तरीका विराम चिन्हों पर ही निर्भर करता है। जैसे ये दो वाक्य देखिए, पहला मारो मत छोड़ो और दूसरा मारो मत छोड़ो। पहले वाक्य में विराम चिन्ह
मारो मत के बाद लगा है। इसका अर्थ है कि मत मारो, छोड़ दो। दूसरे वाक्य में मारो शब्द के बाद विराम चिन्ह लगा है, तो इसका अर्थ है कि मारो छोड़ो मत। इस प्रकार विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ में भिन्नता आ जाती है, इसलिए विराम चिन्हों का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखते हैं कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम कुछ प्रमुख विराम चिन्हों पर चर्चा करते हैं। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन पढ़ रहा है। यहाँ है के बाद वाक्य पूर्ण हो रहा है, इसलिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अल्पविराम, वाक्य के बीच में जब थोड़ा रुकते हैं तब वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग भाषा में अनेक स्थान पर किया जाता है, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला है एक तरह के शब्दों के बीच। जब एक ही तरह के शब्द होते हैं तब उन्हें अलग अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीता, गीता, अमन और राहुल खेल रहे हैं। यहाँ सीता, गीता, अमन यह एक ही तरह के शब्द है, इसलिए इन्हें अलग करने के लिए बीच में अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। और भी कुछ स्थान है जहाँ हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, जैसे जब हमें हाँ या नहीं एम्फसाइज करके बोलना होता है, जैसे आप अपने मम्मी को कई बार कहते हो कि नहीं आज मैं रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। यहाँ पहले नहीं पर बल देने के लिए लिखते समय अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाँ मैंने गृह कार्य कर लिया। संबोधन के बाद अर्थात जब हम किसी को एड्रेस करके बोलते हैं तब भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी हमें सर्कस ले चलिए। इस वाक्य में पिताजी को एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए पिताजी शब्द के बाद अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी तरह जब दो उपवाक्य लिखे जाते हैं तब उनके बीच भी अल्पविराम का प्रयोग होता है, जैसे न तो तुम्हें पढ़ाई की चिंता है और न समय की, ऐसे जीवन कैसे चलेगा। और अंत में उद्धरण चिन्ह अर्थात कोट से पहले भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम ने कहा मैं खेलने जा रहा हूँ। यहाँ कहा के बाद और कोट से पहले अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। अर्धविराम, पूर्ण विराम से कुछ कम देर रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे पतंग उड़ा लो फिर चलेंगे। यहाँ पतंग उड़ा लो के बाद वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए पूर्ण विराम न देकर अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य में कुछ पूछा जा रहा हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कहाँ जा रहे हो। कभी कभी केवल एक प्रश्नवाचक शब्द के अंत में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कौन।
विस्मय सूचक चिन्ह, हर्ष, शोक, घृणा, कष्ट आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहाँ हलवा खाकर मज़ा आ गया, यहाँ वह शब्द खुशी को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निर्देशक चिन्ह, किसी बात का निर्देश देने के लिए अर्थात इंस्ट्रक्शन देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए, मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें काल के तीन भेद का एक्सप्लेनेशन करना हो तो वो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, काल के तीन भेद है। इस वाक्य के बाद हम निर्देशक चिन्ह का उपयोग कर लिखेंगे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का उपयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है, सामासिक शब्द जैसे सुख दुख, माता पिता, दाल चावल लिखते समय उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार आपने देखा होगा हम कई बार बोलते या लिखते समय कुछ शब्दों को दोहराते हैं, उन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बच्ची ने रोते रोते सारा हाल कह सुनाया, यहाँ रोते रोते शब्द दोहराया गया है, इसलिए उसके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और तुलनावाची शब्दों के साथ भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अब लक्ष्मण सा भाई मिलना मुश्किल है, यहाँ सा शब्द का उपयोग तुलना अर्थात कंपैरिजन के लिए किया गया है, इसलिए सा के पहले योजक चिन्ह का चिन्ह लगाया गया है। लाघव चिन्ह, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिखते समय पंडित की जगह कई बार सिर्फ प लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह लिखा जाता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उसी प्रकार जब केवल डॉ शब्द लिखकर लाघव चिन्ह दिया जाता है तब उस डॉ शब्द का अर्थ होता है डॉक्टर, जैसे डॉक्टर अंबेडकर यहाँ आए थे। उद्धरण चिन्ह अर्थात कोट्स, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है एक हरा उद्धरण चिन्ह अर्थात सिंगल कोट्स, जब हम किसी विशेष पुस्तक, व्यक्ति, पाठ का नाम या वस्तु का नाम लिखते हैं तब सिंगल कोट्स मतलब एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नवभारत टाइम्स हिंदी का सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र है, इसमें नवभारत टाइम्स समाचार पत्र का नाम है, इसलिए यह सिंगल कोट्स में लिखा गया है। दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह अर्थात डबल कोट्स, जब किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप में लिखा जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम गांधी जी द्वारा कही गई बात को लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, यहाँ सत्य ही ईश्वर है यह गांधी जी का मूल कथन है, इसलिए यह दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। कोष्टक, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग
वाक्य के मध्य में आए कठिन शब्दों के तो इस प्रकार आज हमने विराम चिन्ह का अध्ययन किया, इस पर आधारित कुछ गृह कार्य करते हैं। नीचे विराम चिन्हों का प्रयोग कर कुछ चित्र बनाए गए हैं। आपको उन चित्रों में विराम चिन्हों को ढूंढकर उस पे गोला लगाना है और उस विराम चिन्ह का नाम लिखना है। जैसे यदि चित्र में आपको कहीं प्रश्न चिन्ह दिखता है तो उस पर गोला लगाकर आपको वहाँ पे प्रश्न चिन्ह लिखना है। अब कुछ एक्टिविटी। जिस प्रकार गृह कार्य में विराम चिन्हों से कुछ बने चित्र हमने देखे, उसी प्रकार अब आप भी विराम चिन्हों का प्रयोग कर यहाँ कोई एक चित्र बनाइए। मुझे यकीन है कि विराम चिन्हों का प्रयोग कर कुछ न कुछ चित्र बनाने की आइडिया अभी तक आप सबको आ ही गई होंगी। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी शंका हो तो उसका समाधान हम स्कूल शुरू होने के बाद करेंगे। अगले पाठ के तक के लिए मैं वैशाली मिस आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।